वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिविटी की पुड़िया। सो गाइज, आई होप अमिल जो आजकल जो मैं व्लॉग्स बना रही हूँ एंड मुझे पता चल रहा है, मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है एंड बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आप सबका। सो थैंक यू सो 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 मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगी हूँ आजकल, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि येस आई एम डूइंग रियली गुड। सो थैंक यू सो मच सो मच सो मच। ऐसे ही मैं और अच्छा, मैं डेली सोचती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँ और किस तरीके से मैं इम्प्रोवाइज कर सकूँ। सो स्लोली स्लोली आई एम लर्निंग, राइट। सो गाइज, आज का जो मेरा व्लॉग है, अगेन इट इज़ अ रिव्यू एज यूजुअल। मैं मोस्टली जो मेरे व्लॉग्स हो रहे हैं आजकल बैक टू बैक, वो या तो किसी प्रोडक्ट के साथ कोलैब्स हो रहा है या फिर मैं रिव्यूज़ दे रही हूँ। मोस्टली जिनके साथ कोलैब हो रहा है तो मैं उन ब्रांड्स का रिव्यू दे रही हूँ। सो आज भी मेरा एक ब्रांड है जिनके साथ मेरा कोलैब हुआ है, उनका ही एक प्रोडक्ट है एंड मैं उस चीज़ का मैं रिव्यू दूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम क्या करेंगे, लेट्स जंप टू दी नेक्स्ट पार्ट। जी, आ गया है मेरे पास बॉक्स फ्रॉम मिंत्रा। डोंट वरी, कपड़े नहीं है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। सो हम बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट इसका क्या कर लेंगे, अनबॉक्सिंग। सो गाइज, ये जो मेरे हाथ में है अभी मैंने जिसका अनबॉक्सिंग किया, ये प्रोडक्ट है केटिन स्प्रे। नाउ व्हाट इज़ केटिन स्प्रे, सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये एक हेयर प्रोडक्ट है। आजकल बहुत ज़्यादा सबके बाल काफ़ी डैमेज्ड होते हैं एंड काफ़ी फ्रिजी होते हैं, इतना पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा गर्मी है, हम बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी सब कुछ, तो हमारे बाल डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं एंड उनको मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नो, इट इज़ नॉट शैम्पू, इट इज़ नॉट कंडीशनर, नॉट इट इज़ अ सीरम, ये एक स्प्रे है, केराटिन स्प्रे है जो कि केटिन प्लांट से बना हुआ है। जो आपके बालों का जो केराटिन होता है ना, जो प्रोटीन होता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है एंड ये काइंड ऑफ एक सप्लीमेंट की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। खाना नहीं है, इसको स्प्रे करना है अपने बालों में। एंड दिस इज़ सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ हेयर, लाइक वेवी, स्ट्रेट, कर्ली, कलर्ड, किसी भी टाइप के हेयर के लिए ये सुटेबल है एंड इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, आपके बालों में कोई ख़राबी नहीं होगी। केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक ब्रांड है, जैसे कि मैंने बताया एक केटिन प्लांट होता है जो कि केराटीन जो होता है, जो मेनली जो प्रोटीन वाला, तो उससे ही ये निकल के आता है। तो ये स्प्रे जो है आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, नहाने के बाद आप इसको अपने बालों पे स्प्रे करिए या फिर आप जब बाहर निकल रहे हैं तब आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि हम लोग खाली ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बाहर निकल रहे हैं तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोग कई पार्टी में जाते हैं या कहीं किसी के कहीं वेडिंग में जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास इतना ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग एक्सेसरीज होती है, कोई बाल स्ट्रेट कर रहा है, कोई कर्ल कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा हीट आने लगती है, राइट। तो उस चीज़ से ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, तो आपके बाल काफ़ी फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, एक बालों का टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो इसको मैं जब यूज़ करती हूँ मैं ओवरनाइट लगा के छोड़ देती हूँ। मेरा कुछ भी रहता है ना, मैं क्रीम हो या सिरम हो या लोशन हो, जो जिसका मुझे ज़्यादा लगता है कि जो लगा के आपको ज़्यादा यू नो वो आपके स्किन में जैसे अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये भी आपके बालों में जाके अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप इसको लगा के एकदम इमिडिएटली बाहर निकल जाओगे, हालाँकि इसमें बोला गया है कि ये स्प्रे आप लगा के बाहर निकल सकते हैं, बट आई विल एडवाइस कि आप इसको स्प्रे करके रात में ओवरनाइट छोड़ दीजिए ताकि आपके बालों में वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो, राइट, और उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यस, दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट।
एंड केटिन ब्रांड केटिन ही है। आपको ये मिंत्रा में अवेलेबल है, अमेजन में अवेलेबल है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने जो इसका ये लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन कर दूंगी विद द प्राइस एंड एवरीथिंग। आई थिंक ये 200 समथिंग कुछ है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इसका समवेयर कुछ इतना है। मैं मेंशन कर दूंगी वहाँ से जो भी लिंक होगा कॉपी पेस्ट करके। बट यस, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड बालों के लिए सिर्फ जैसे शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, कंडीशनर हो गया, सीरम हो गया, मास्क हो गया, तो वैसे ही ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है बाहर के पोल्यूशन से, सन रेज से, एंड धूल मिट्टी जैसे भी आप बोलो। सो आजकल के टाइम पे ऐसा कुछ हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दिस इज़ रियली गुड, हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। तो आप लोग ज़रूर इसको परचेज़ कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप लोग आराम से इसको यूज़ करिए, देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो यस, दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट, केटिन स्प्रे। ये केराटिन स्प्रे है एंड यस, दिस इज प्लांट बेस्ड केराटिन इसमें लिखा हुआ है एंड दिस इज प्रो विटामिन B5 फ्लैक्सीड से बना हुआ है ये। एंड जो इसका है यूजेज जो होता है वो है केराटिन रिस्टोरेशन, ड्राई डैमेज हेयर थेरेपी, एंटीफिज, हेयर नरिशमेंट एंड एड शाइन एज वेल। तो मैं फटाफट इसको भी खोल के, ये पूरा पैक्ड है, इसको भी खोल के मैं एक बार अंदर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। सॉर्ट ऑफ परफ्यूम बॉटल ही है जैसे स्प्रे टाइप। वेट, ये देखिए, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे एंड ऐसा ही है परफ्यूम जैसा है। मैं इसको स्प्रे करके दिखा देती हूँ। मैं इसको लगा के अब ये जो मैं शूट कर रही हूँ ये मैं रात के टाइम ही शूट कर रही हूँ, तो अच्छा है मैंने आपको डेमो भी दे दिया और मैंने बालों पे भी लगा दिया, और ताकि मैं ओवरनाइट इसको रख सकूँ, मेरे बालों पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए एंड सुबह फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। एंड इसका फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छा है गाइस, एंड लगाने के बाद ना एक अलग ही जो मेरे बाल अगर उलझे हुए भी थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने आप सुलझ रहे हैं। मैं कोई कॉम्ब यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरी उंगलियाँ बिल्कुल अंदर तक जा रही है, कहीं अटक नहीं रही है। वाओ, वेरी नाइस। सो यस गाइस, सो ये प्रोडक्ट है केटिन स्प्रे। सो यस, थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ, अगले बार लेकर आऊँगी कुछ नया व्लॉग। थैंक यू सो 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 मच एंड गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।